कलेक्टर कैसे बहाल कर सकते हैं, ये तो रिवीजन खारिज ही हो गया फिर तो सर। ये एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कैसे रिव्यू किया जा सकता है? तो ये 2017 से 20 तक ये कैसे हो गया रिव्यू, नहीं श्रीमान जी, ये तो दो कहिए आप। आप कौन पेस्ट है, आप कौन है? रेस्पोंडेंट क्रमांक 5, अच्छा इसमें हमने श्रीमान जी के आदेश पे पेश किया था कागज, आईए नंबर 17/26/2024, 5/2024 को, जी जिसमें कलेक्टर साहब ने सचिवीय सूचना निरस्त किया 25/7/2014, और फिर अपर कलेक्टर कमिश्नर साहब ने भी पुष्टि कर दिया, राज्य सरकार ने भी पुष्टि कर दिया। इसके बाद कलेक्टर कैसे बहाल कर सकते हैं, ये तो रिवीजन खारिज ही हो गया पूरा। बताइएगा किस प्रावधान में कलेक्टर साहब बहाल करेंगे? जी सर, पहले तो एक हमारा जो सबमिशन था, दैट ही इज एन आउटसाइडर। नहीं, ही इज अ पार्टी टू बी दिस। नहीं, व्हाट आई सबमिट सर, आई वाज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय लॉर्ड, टेकन द फाइल, सो माय नॉट। ठीक है। जो ऑर्डर ये कह रहे हैं सर, विच वॉज चैलेंज बिफोर द कलेक्टर कमिश्नर एज वेल एज, नहीं सर, इशू तो सुन लीजिए। हाँ, हाँ. वो सस्पेंशन ऑर्डर था सर। हाँ. और सब्सिक्वेंटली उसके बाद इंक्वायरी हुई पूरी। हाँ, हाँ. उस इंक्वायरी में हमको माइनर पेनल्टी इम्पोज कर दी, एंड देन दिस इज हाउ। कहाँ है वो ऑर्डर? वो ऑर्डर्स देखें सर। सर, सबसे पहला जो ऑर्डर डी नोटिफिकेशन का है, वो एनेक्सर P1 है, जिसको ये कह रहे हैं इसके खिलाफ अपील हुई थी कलेक्टर कमिश्नर। हमने तो कागज भी लगाया। सर, इसके बाद सर आई वॉज सस्पेंडेड। डी नोटिफाई करने के बाद डी नोटिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नोटिस, ओनली अंडर 69 माय पावर्स वर टेकन ओवर। सब्सिक्वेंटली एन इंक्वायरी वाज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मी, आई हैव फाइल्ड द डिटेल्स ऑफ ऑल दोस इन माय रिजॉइंडर, एंड इन दैट इंक्वायरी माय लॉर्ड, इट वाज हेल्ड दैट आई एम एबल फॉर अ माइनर पेनल्टी, एंड एज सच अ माइनर पेनल्टी वाज इंपोज्ड। हाउ वेयर इज द ऑर्डर ऑफ माइनर पेनल्टी? सर, माइनर पेनल्टी का ऑर्डर है सर P2। सर, और हमने इंक्वायरी के कार्यालय आदेश क्रमांक 5500 ये है सर, सेकंड पैरा से पढ़ता हूँ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त विभागीय जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि श्री कुशवाहा सचिव पुस्तकालीन क्रमांक 5500 में ₹25,000 जिला सतना में जमा किए गए हैं, एवं माननीय न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विधि प्राधिकारी जिला सतना में अधिरोपित वसूली 5500 सचिव द्वारा डीडी क्रमांक 5500 मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत के नाम से जमा किए जाके औपचारिक सचिव द्वारा आयत राशि में कार्य कराया गया है, तथा मूल्यांकन से अधिक राशि का आरण किया गया था जिसे जमा कराया जा चुका। लघु शक्तियां अधिरोपित किए जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैहर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एवं औपचारिक सचिव श्री कुशवाहा तत्कालीन ग्राम पंचायत 500 मतवा के विरुद्ध न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विधि प्राधिकारी जिला सतना से अधिरोपित वसूली राशि जमा किए जाने के उपरांत कार्य पत्र क्रमांक 500 सतना दिनांक 8/5/13 और इन होने से निरस्त करते हुए श्री चंद्रभान कुशवाहा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत 8/5/17 का कौन सा आदेश था ये सर? 8/5/17 का जो आदेश था उसको इनने R7 के रूप में फाइल किया है उनके रिटर्न। इसके पहले सर मैं इंक्वायरी का जो बता दूं, जो हमको नोटिसेज मिले थे, एक सर 8/7/17 का आदेश देख ले। जी सर, इनके इसमें R7 है सर। वो डॉक्यूमेंट के साथ फाइल किया है इनने जो रिटर्न दिया था सर, स्टेट ने नहीं सर, प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने। डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड? नहीं सर, इनने एक रिटर्न भी दिया था सर, विषयांतर्गत संदर्भित अर्धशासकीय पत्र का अवलोकन करें। कलेक्टर महोदय के निर्देश श्री चंद्रभान कुशवाहा औपचारिक सचिव। तो ये एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर कैसे रिव्यू किया जा सकता है सर? बिकॉज फिर हमारे उसमें हमको जब पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई और जो हम पे चार्ज लगा, एफआईआर दर्ज स्टे था क्या एफआईआर के ऑर्डर पर? नहीं, एफआईआर के ऑर्डर पे स्टे नहीं था। फिर 2017 से 20 तक ये कैसे हो गया रिव्यू? नहीं, पहले हमारी पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सर, ये जो पहले चालू हुआ वो तो फाइल कर लीजिए। ऐसा नहीं है श्रीमान जी, तो आप लेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत सतमा फाइल पर्सनल एफिडेविट दैट व्हेन वाइड ऑर्डर इलेक्शन R7
डेटेड 8/5/17 देयर वाज अ डायरेक्शन टू द सीईओ जनपद पंचायत मेयर टू लॉज एफआईआर अगेंस्ट श्री चंद्रभान कुशवाहा देन हाउ दैट ऑर्डर कुड हैव बीन रिव्यूड बाय द अथॉरिटीज बाय व्हाइल पासिंग ऑर्डर डेटेड 23/10/2020 एनेक्शन P2 फुल स्टॉप लेट स्पेसिफिक एफिडेविट बी फाइल्ड इन दिस बिहाफ विद इन कितने दिन में फाइल करेंगे 15 days list immediately thereafter. और नागंती भाई ये और 8 भी है श्रीमान जी अभी आप वेट करिए प्लीज मतलब पूरी हमारा निवेदन था कि पूरी फॉल्स पिटीशन है तथ्यों को छिपा के ये जो विभागीय जांच बता रहे हैं ये 2019 में जब हार गए राज्य सरकार से तब फॉल्स ग्राउंडों पे अधिकारियों को मिला के करा लिए और उसका कोई महत्व नहीं ठीक है सुनेंगे ना आने दीजिए तो वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें राज्य सरकार से हार गए थे राज्य सरकार से हारने वाला ऑर्डर है 8/8 है अरे एनेक्शन क्या है मैं एडिशनल उसमें पेश किया हूँ 8/8/2017 का ऑर्डर है R5 में लगा किस हाँ R5 में भी लगा R5 20 पेज She will also file her affidavit that in view of annexure R5, how a review is permissible of the orders which have been affirmed up to state government.